के इज्जत करने लोग हिसाब ही बोले। धन्यवाद। जय। मैं कैबिनेट मंत्री और झुंझुनू कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय बिजन विजय ओझा साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आए और अपना उद्बोधन दें। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब उदय प्रवती से हमारे कांग्रेस के कांग्रेस प्रत्याशी श्री भगवाना राम जी, आदरणीय मंच मुख्यमंत्री जी आज आपके बीच में सुधारे हैं, वोट की अपील करने के लिए आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। भगवाना राम जी को पूरी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के पूरे नेतृत्व में यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। हम सबका यह दायित्व है कि हम उनको सफल बनाएं। कांग्रेस हर वर्ग की पार्टी है, हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस गरीब की है, किसान की है, ओबीसी की है, एससी एसटी की है, हमारे सभी वर्गों की पार्टी है, हमारे अल्पसंख्यकों की पार्टी है, 36 जमात की पार्टी कांग्रेस है। और उसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं चालू किए हैं। गरीब को गणेश मानते हुए हर वर्ग के लिए एक से एक बढ़ते योजनाएं चालू किए हैं। और आज हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम कांग्रेस को राजस्थान में दोबारा लाए। एक विवाद चल रहा है, उस विवाद को बदले और कांग्रेस सरकार बनाने में आप यहाँ से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को जिता के और उसमें अपना योगदान दें। श्री भगवाना राम जी पिछली बार भी उम्मीदवार थे, थोड़े से मतों से वो रह गए थे। इस बार आप सब अपने आप को भगवाना राम जी समझे और मुख्यमंत्री जी की बात पर और कांग्रेस नेतृत्व के निर्णय पर मोहर लगा के श्री भगवाना राम जी को यहाँ से सफल बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच के पूर्व विधायक आदरणीय दाताराम जी पूजा साहब यहाँ पर विराजमान है, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं इन दो पंडितों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे को आमंत्रित करना चाहूंगा कि देश भवन में बच्चा बच्चा खेल रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार जो जिन्हों से हैं वो कंपनी है, वही नेता है निर्मला साहब, पूर्व विधायक आदरणीय मनोहर जनी साहब, कांग्रेस के उम्मीदवार भगवान राम जनी जी, जिला के रणजीत झूला जी, राम निवास जी जनी, रमेश खंडेलवाल जी, आपका विश्वास
हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं, सिर्फ
जनरल भी 5 लाख का बीमा है, जनरल हो जाए 5 लाख का बीमा है, हर राज्य में 5 लाख का बीमा होता है और वो सब 25 लोगों के लिए, हमने पूरी पब्लिक के लिए जाए, गरीब अमीर कोई भी है, 25 लाख का बीमा आज के गुस्से जीत के बाद है, कुछ किडनी कोई हार्ट क्या क्या नहीं बोला है, बोला लोग उधार लेंगे सेवा करते हैं माँ बाप की, जय दी जाते थे मकान दी जाते थे तो हम माँ बाप हिंदू रहने जाते, ये हमारा संस्कार है, अब 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, शानदार काम आप करोगे, हम इतना उसके लागू करेंगे चौदह के लिए, तो चौदह खुश है पूरे पेंशन ले रहे हैं लोगों को, हमने कहा कि गाय मरने की लंपी से 40,000 रुपए की उन्होंने प्रति गाय मरने वाले परिवार को 40,000 रुपए दिए, आगे जो प्रश्न बीमा कर रहे हैं हम लोग काम दिन में बीमा कर रहे हैं, 5 महीने गैस सिलेंडर ले रहे हैं, हिंदुस्तान में क्या मिला केंद्र सरकार दबाव में आ गई, कोई दूसरे कम करने पड़े, इतना जगह जाऊंगा, हमने मेहनत इलाज शिविर में आपको कार दिए गाड़ी भी कार दिए लागू हो गए, वो अन्नपूर्णा योजना किट दे रहे हैं, खाद्य सामग्री के वो अलग है, बिजली के बिल शुरू हो गए हैं, 1 करोड़ लोगों को शो इन बिजली जो गिराता है उनके बिल शुरू आ रहा है, 14 लाख किसान जो है 2000 प्रीमियम फ्री कर दी उनके बिल शुरू आ रहा है, कई कदम हमने उठाए हैं जिसके कारण जो है महंगल में लोगों राहत मिली, बाकी तो कॉलेज खोलने में हम लोग पीछे नहीं रहे, कॉलेज खोले यहाँ पर डॉक्टर ने 30,000 कॉलेज खोली 5 साल के अंदर रिकॉर्ड बना दिया, 130 गर्ल्स कॉलेज इसके अंदर है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ, जो माना मुझसे मैंने कभी मना नहीं किया, इस चुनाव ने काम किया था, मैंने कहा आप यहाँ भी बैठे उधर भी वाटिंग खोले बुढ़ा भी घर खोले खोला बुढ़ा पॉल्स में डॉक्टर में खोले छात्रा बन रहा है उधर वाटी में ट्रोमा सेंटर खोला पीएचडी खोला गया बुढ़ा बॉडी स्ट्रेचिंग बुढ़ा पॉल पॉल उधर वाटी में नगर पालिका बनाया गया टू बुढ़ा सामुदायिक भवन बन रहा है उधर भी वाटी में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा अब होटल कितने को रोजगार मिलेगा बुढ़ा में ट्रेन इसी में बन रहा है खूब मनसा बांध का पूरा निर्माण मदद हो रही है आप बोल सकते हो इस रूप में हर क्षेत्र में इस क्षेत्र में काम हुआ है और हमने पिछली बात की है अब राजा कोई आपका नहीं रहा यहाँ पर शिक्षण संस्था आ गई है खेमो राम जिनमें तो उन्हें साहब अग्नि वाले जिसमें उनके जमाने से पूरे शिक्षक में आप आगे गए हमेशा बड़े बड़े कॉलेज बिल्डिंग बन गए स्कूल बन गए अलग अलग तरह से यहाँ के जो शेर खाओकार थे हिंदुस्तान बने जाकर के उन्होंने आर्थिक रूप से अपना नंबर दिखाया आज वो आर्थिक रूप से इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं पिछले जन्म में तो वीरों की धरती है सैनिक यहाँ के हैं अग्निवीर योजना आ गई मतलब ये आप 4 साल की नौकरी 18 साल में भर्ती हो 22 साल निकल जाओ वो जिंदगी में क्या करेगा ऐसा माहौल बना दिया है लोग चुप हैं तो लोगों आक्रोश है जुर्मों और ठेकेदारों के घर घर में सैनिक मिलेंगे देश की रक्षा करते चुनाव सीमाओं पर चिपका लीजिए लोगों का कितने लोग शहीद हुए मैं खुद गया घर घर में 56 जगह गया था पहले बार मुख्यमंत्री बना मैं मुझे याद है किस प्रकार से उनके माँ बाप दादाजी ने कहा मुझे आप हम अपने दूसरे बेटे को भेजने तैयार है इसी जज्बा में अपनी स्ट्रीम के बारे में ये बात है मैं कहने बोल सकता हूँ उन दादाजी को हमने पूरा पैकेज पूरा दिया शानदार पैकेज दिया शानदार पैकेज हिंदुस्तान नंबर 1 पैकेज दिया राजस्थान दिया था सैनिकों को सही लोगों को इसे मैं सही रहना कि आप निश्चिंत हो काम कभी रखी नहीं है और भी हमने जो गाय दी है तो तैयार के महीना मुखिया को देंगे नंबर 1
नंबर दो चरंदन जो है उनकी संख्या बढ़ा देंगे और जो खरीदोने निर्णय है एक और पांच लाख परिवारों को और पांच रुपये चरंदन मिलेगा ये गांधी हम निर्णय है। नंबर तीन छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है कोटा गाय जो है वो मानव पीती है तकलीफ देती है दुर्घटना जाती है मर्जा से गायब हो जाती है आगे मर जाती है हमने तय किया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वहां बाड़ा रखो पीने का पानी मिले चारा मिले साइड पे दुर्घर पहुंचे तो पौधों में चल गया और पांच पौधों से मिले जो अपना छोड़ दो जो गोबर है गोबर सरकार के लिए जो भी जो गोबर खरीद करेगा उस गोबर से खाद बनेगा किसान का बनेगा गोबर से गैस बनेगी गैस बनेगी गन्ने के काम आएगी बार बार काम आएगा ये स्टीम लागू करना चाहता हूं लोग छात्रों के लिए जो है इंग्लिश स्कूल खोल रहे हम लोग उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं मैंने बच्ची में खराब पहनने आज नशू करता हूँ इंग्लिश गूगल आ गया इंटरनेट क्या आ गई मोबाइल फोन आ गए कंप्यूटर आ गए बच्चों में वैसे विवाह होते हैं आने वाली पीढ़ियों का कि बच्चे हमारे पढ़ने जाएंगे इंग्लिश दिल्ली बम्बई लंदन अमेरिका जाएंगे आई टी में एक्सपर्ट बनेंगे इस वक्त हमने इंग्लिश स्कूल में खोलने का फॉर्म दिया है और बड़ी खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री से नौजवान ही सब शुरू हुआ है अब 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं हम जाएंगे आगे से जो मांगेगा गांव वाला वो तो मना नहीं करेंगे इंग्लिश स्कूल खुलेगी। नंबर पांच जो हमारे बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं वो फैशन जाएंगे उनको टैबलेट या लैपटॉप चाहिए 15-20 हजार का होता है वो 15-20 हजार का होता है वो माँ बाप जान सकते उसको और जो पढ़ाई करनी होती है आई टी में सरकार सभी जातो बच्चों को फैक्ट्री जाती है लैपटॉप के कमरे देगी ये हमने प्रमिट की है गांधी कार्यवाद में इस प्रकार से उसके लोग कर रहे हम लोग उसके कानून बनाएंगे कानून बनाएंगे तो मैं कहना चाहूंगा आपको अपनी बच्चों को स्कूल में दूध पिलाने का हमने नियम बनाया है वर्दी दी हम लोगों ने बच्चों का ख्याल अलग रख रहे हैं महिलाओं का हर इसके बाद हम लोग मोबाइल फोन दे रहे हैं 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन दे चुके हैं एक और महिलाओं को देना बाकी है चुनाव खत्म हो गई सरकार बनेगी एक और महिलाओं को मोबाइल फोन इंटरनेट सेवा फ्री के साथ देने लग जाएगा इसलिए हम कहना चाहूंगा आपको एक बार जो है सचिन लोग जो मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है रेमानी समाज का ज्यादा गाँव में लोग रहते हैं मैं मानी हूँ मेरे गाँव है रेमानी समाज का हूँ पर सुनिए आगे सुनिए मैं रास्ता में मानी हूँ मानी हूँ एक मानी जो होता है वो बगीचे में क्या करता है फूल को पत्तियों को सजा के रखता है सुंदर गार्डन होता है बगीचा जो सुंदर दिखता है बड़े बड़े बगीचे सजा के है उनको मानी ही उसकी रक्षा करता है सजा के रखता है सभी जगह फूल हो सभी जगह पौधे हो विभिन्न रंग के फूल होते हैं जिससे खूबसूरत लगता है अच्छा लगता है तो मुझे अभी जिम्मेदारी दी है प्रदेश के माली की मैं पूरे प्रदेश के माली जो है छत्तीसगढ़ के लोग हैं विभिन्न वर्गों के लोग हैं विभिन्न धर्मों के लोग हैं और साथ में मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कहने अधिकार गुजरात पर तैयार करूँ तो मैं इस माली का काम कर रहा हूँ राजस्थान भर के लिए उसमें आपके आशीर्वाद में कामयाब हुआ हूँ इस बात का खुश होनी चाहिए आज आता ही चर्चा पूरे दुनिया में चल रही है हिंदुस्तान में चल रही है कौन आया साल का प्रबंध हमने किया किसी को मरण दिया एक्सीडेंट से
विरोध होने वाले समाज दुनिया के मुल्कों के अंदर समय हमारे चाहे कई की हम लोगों ने मैंने कोई भूखा नहीं खाना चाहिए। मुझे खुशी है आतंकवादियों ने जो भूखा नहीं खाने दिया, कई लोगों ने एनजीओ ने संस्थाओं ने बहुत अच्छा काम किया। कोई भावना में नहीं बैठे कहना कहना मैंने देखा और चित्रकार से सरकार एक बार कांग्रेस कर लो ना एक बार कम्युनिस्ट पार्टी की इस बार मुझे कहा हमने इधर इस बार तो आप और इसमें होगी कम्युनिस्ट पार्टी आगे देखो क्यों भाई कैसे आएगी था दोनों अच्छा काम। तो मैंने मन में कहा यार दोनों अच्छा काम किया सरकार वापस रिपीट होंगे ना पर रास्ता में हमने जो शानदार काम किए हैं उसके अंदर दोनों अलावा भी कोई कभी यकीन नहीं है शिक्षा में स्वास्थ्य सेवाओं में पानी में बिजली में सड़कों में छोटी के अंदर हर क्षेत्रों में काम किया है और वो सजा एमपी हो सकती है तो ये सजा एमपी क्यों नहीं हो सकती है जवाब मुझे आपको अब के बैंक को ये सजा रिपीट क्यों नहीं हो सकती है बता देते हम लोग रिपीट होकर रहेगी ये आपका संकल्प होना चाहिए करना था। मुझे यकीन है कि आप लोग इस बार सरकार रिपीट करेंगे केरला हो गई सरकार रिपीट कोरोना के नाम से भाई अंतर कोरोना में हो गई सरकार रिपीट ये सजा के लिए जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में माहौल बना है और कई गाँव के लोग कहेंगे आपको सरकार के खिलाफ कोई फाइल हमारे पास कहने को नहीं और ये हमारी पार्टी जो लोग नहीं है वो भी कहेंगे सब प्रजा ने अच्छा काम किया है। मैं सबको भी कहना चाहूंगा कृपा करके आप सरकार तो बनती है तमाम एमएलए जीत रहा है आपकी इच्छा भी है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं मैं भाई सरकार आप पर रिपीट हो सरकार हमारी बने कांग्रेस की मुझे काम ही लेने वाला है। सरकार तो बनेगी तो भगवान राम फिर नहीं जीतेगा तुम सरकार इसलिए मैं आपसे फिर करूंगा कृपा करके आप कृपा करके एक बार सारे लोग जो है मैंने वादे कर लिए मैंने वादे क्या किए गोल लेने का वादा किया नंबर एक जीता हुआ चुनाव वहां पर धन्यवाद जनाऊंगा इसी था जगह पर दो नंबर तीन जो जिम्मेवारी मुझे आपको सौंपी है आपका समाज का एक सेवक अगर वो कामयाब होता है देश के अंदर प्रदेश के अंदर अच्छी सरकार चलाता है तो सेवा किसकी होती है समाज की भी होती है। बाकी समाज है कार्यकर्ता शासन कर रहा है आप फोर्स नहीं देगा छत्तीसगढ़ में लोगों में कहना चाहूंगा कृपा करके इस बार आज जो है हमारे उम्मीदवार जुनू से दिलोदा जी हैं नावगढ़ राजकुमार शर्मा जी हैं मंडावर से सीता चौधरी जी है सुनगढ़ से शरण कुमार जी है पिराणी से सीताराम जी काला है और केसरी से महिला गुजर है और भगवान चले आप पार्टी से मैं कहूंगा आप सबको है एक बार संकल्प लेकर आओगे इस बार एक एक वोट सभी जाति विरोधियों में हवाएं करूंगा एक एक वोट इस भले इंसान को जिनको मौका दिया बारी कुर्सी में पटान रह चुका है वकील रह चुका है अच्छा कार्य करता है और मैं आपको वचन देता हूं चुनाव जीते हुए हमने लगातार आपके जाते रहेंगे नंबर एक नंबर दो आपके सुख सुख में भागीदार बनेंगे नंबर तीन विचार में भागीदार निभाएंगे और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा बनूंगा आपको आप सब लोग एक बार हाथ खड़े करके मिसाल दिया आप इनको दिखाई भेजोगे बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया वैसे तो मेरे मामला जो मैं भागना पड़ रहा है बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद।